कल्पधाम बिल्डर्स एवं डेवलपर्स की शानदार पेशकश अब आपके सागर शहर के बीचों बीच, वह भी सर्व सुविधा युक्त आवास फ्लैट एवं प्लॉट बुकिंग के लिए संपर्क करें अंकुर चौरसिया पुरुषोत्तम चौरसिया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां पर एक पति ने अपनी पत्नी से करवा चौथ की रात गुटखा ना खाने का वायदा किया था। पत्नी पति की गुटखा खाने की आदत से बेहद परेशान थी। उसे ना केवल पति की चिंता होती थी बल्कि हर समय मुंह में गुटखा रखना भी उसे बर्दाश्त नहीं था। करवा चौथ के व्रत के चंद घंटों तक तो पति ने अपनी इस आदत पर लगाम लगा कर रखी, लेकिन अगले ही दिन पति ने गुटखा खाने का वायदा तोड़ दिया। पति जब दोबारा गुटखा खाकर पत्नी के सामने पहुंचा तो पत्नी इसे देखकर आग बबूला हो गई। पति की वादा खिलाफी से नाराज पत्नी पति का साथ छोड़कर अचानक लापता हो गई। ग्वालियर की रहने वाली युवती की शादी 2 साल पहले भिंड के मेह गांव में रहने वाले युवक से हुई थी। पति के गुटखा खाने की आदत से परेशान होकर नवविवाहिता ने विगत दिनों मायके में करवा चौथ पर्व मनाने के दौरान अपने पति से करवा चौथ के गिफ्ट के रूप में वायदा लिया कि वह आज और अभी से गुटखा नहीं खाएगा। पत्नी को झटका तब लगा जब वो अपने पति के साथ ससुराल जाने के लिए निकली तो ग्वालियर बस स्टैंड पहुंचते ही पति ने पत्नी से किया हुआ वादा तोड़कर गुटखा खा लिया। पति को गुटखा खाता हुआ देख नवविवाहिता अचानक बस स्टैंड से लापता हो गई। काफी खोजबीन करने के बाद पति ने अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाना पड़ाव में दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पहले बस स्टैंड पर नवविवाहिता की खोजबीन शुरू की। बस स्टैंड पर ही पुलिस की टीम ने अलग अलग राज्य जाने वाली बसों के बारे में पता किया। इसी दौरान पुलिस को पता चला कि नवविवाहिता जयपुर जाने वाली बस में बैठी देखी गई है। पड़ाव थाना पुलिस की एक टीम जयपुर रवाना हुई। जयपुर में स्थानीय पुलिस की मदद से रेलवे स्टेशन से नाराज नवविवाहिता को साकुशल बरामद कर लिया गया। महिला की बरामदगी के बाद ग्वालियर पुलिस की टीम उसे वापस ग्वालियर ले आई, जहां पर पुलिस की टीम ने उसे उसके पति के हवाले कर दिया। नाराज पत्नी को मनाने के लिए पति ने पुलिस थाने में ही कसम ली कि अब वह अपनी पत्नी को नाराज नहीं करेगा और जीवन में कभी भी गुटखा नहीं खाएगा। वैसे तो पति पत्नी में इसके बाद सुलह हो गई है, लेकिन देखना होगा कि पति कब तक अपनी इस बात पर कायम रह पाएगा। हालांकि पत्नी का रौद्र रूप देखने के बाद इस बात की उम्मीद की जा सकती है कि पति जिंदगी भर के लिए गुटखा खाने की आदत से तौबा कर ले। खबर एक्सप्रेस न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट। श्री ठाकुर बाबा कंस्ट्रक्शन, हमारे यहाँ रेत और गिट्टी उचित दामों पर उपलब्ध है। रेत और गिट्टी के लिए संपर्क करें हर्ष नेमा चांदपुर वाले। हमारा पता है मेन बस स्टैंड रहली देवरी रोड चांदपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9131 25 97 36।